बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, बुक रिकमेंडेशन सिस्टम का जो है आज हम रीडर पैनल ओपन करेंगे और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ रीडर पैनल से, रीडर से लॉगिन करूँगा। ये देखें, ये हमारा मेन रीडर पैनल है, ठीक है। इस रीडर पैनल में आप देखें कि ये आपके पास हेडिंग आ गई, उसके बाद ये रीडर का नाम आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये हाइपरलिंक्स लगाए हुए हैं। जो काम रीडर ने करने हैं वो यहाँ पर मेंशनड हैं, ठीक है। जैसे रीडर ने पहले कोई शॉपिंग की है तो वो कस्टमर हिस्ट्री में जाके अपनी प्रीवियस शॉपिंग देख लेगा, और जो है अगर उसने आज की शॉपिंग करनी है तो वो माय कार्ड में जाके शॉपिंग जो करना चाहता है या जो करे वो यहाँ पे जाके कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद फीडबैक जो है, फीडबैक के जरिए जो है वो कोई उसने बुक खरीदी है उसकी फीडबैक दे सकता है, ठीक है। शॉपिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ से शुरू होगा, लेकिन अगर उसने कोई शॉपिंग करे ना तो वो कार्ड में चली जाएगी, साथ साथ करता जाएगा, वो कार्ड में डालता जाएगा, ठीक है। तो ये काम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम इस पर कैसे आए, और ये जो रीडर वन है ये हमारे यहाँ पे कैसे आए, इस ये जो है ना इसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। login.jsp ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारा यूज़र जो है एडमिन है तो वो एडमिन पर नेविगेट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा यूज़र क्या है, रीडर है, यूज़र टाइप रीडर है, और आईडी और पासवर्ड उसका करेक्ट है। तो हम कहाँ पे जाएंगे, रीडर पैनल में जाएंगे, साथ ही session.set एट्रीब्यूट, ये सेशन हमने बनाया है, इसका नाम है यूज़र आईडी, और इसको हम वैल्यू दे रहे हैं यूज़र आईडी की, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल है यूज़र आईडी, इसकी वैल्यू, इसमें हम वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल यूज़र आईडी के सेशन में, ठीक है। जब आपने एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाना हो ना, तो उसमें बहुत से तरीके हैं। एक क्यूरी स्ट्रिंग का मेथड है जो हम इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करें सेशन का, ठीक है। सेशन से हम एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाते हैं और वो छुपा के लेके जाते हैं, वो यूआरएल में नज़र नहीं आता किस पेज पे जा रहे हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये सेंड रीडायरेक्ट का फंक्शन जिस पेज पे जाना हो। रीडर पैनल, ये हम रीडर पैनल में जा रहे हैं, यहाँ पे हम रीडर पैनल में आ गए। रीडर पैनल में अब ये जो रीडर वन आ रहा है ना, ये वो सेशन के जरिए उस यूज़र का आईडी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं ये कहाँ पर है, रीडर पैनल में चलते हैं। ये देखें, सबसे पहले मैंने पैकेजेस को इंपोर्ट करवाया, उसके बाद ये सेशन वहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे हमने गेट एट्रीब्यूट करना है। सेशन का नाम दिया जो उसका वेरिएबल का नाम था, यूज़र आईडी वो दिया, और वो हमने सेशन लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे वेरिएबल यूज़र आईडी में डाल दिया, ठीक है। ये हमने दूसरे पेज से, लॉगिन पेज से डाटा हमारे पास आया यूज़र आईडी का, वो लेके मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया। उसके बाद ये वेरिएबल्स बनाए हैं, पब्लिशर, कैटेगरी, टाइटल, क्यूरी सर्च वगैरह, और टोटल बुक्स का ये बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम ये देख रहे हैं, सिलेक्ट सम क्वांटिटी एज, ये क्यूरी को पढ़ते हैं, सिलेक्ट सम क्वांटिटी एज टोटल बुक्स फ्रॉम कार्ट वेयर कस्टमर इज आईडी दिस, ठीक है। एक्चुअली ऐसा है कि जब हम इस पेज पे नेविगेट होते हैं ना, अगर उसने शॉपिंग, यूज़र ने पहले कोई शॉपिंग की होगी, यानी कि अभी वो शॉपिंग कर रहा था तो तब ये ओपन होता है, ये टोटल क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन अभी जो है हम क्योंकि नए पेज पे हैं, तो अभी हमारा जो है ये देखें, ये जो है ये नल है, ठीक है। यानी कि अभी इसने कोई शॉपिंग नहीं की, ये क्वांटिटी जो है अभी इसकी नल आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये बटन है, अगर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये काम होगा, ठीक है। अभी मैं सर्च के बटन पर हमने क्लिक नहीं किया, तो देख लेते हैं सर्च के बटन में क्या चीज़ें, फिर आगे आपको पता चलेगा, ठीक है।
एल्स ये सबसे पहले ना ये देखें, ये सर्च का बटन है। उसके बाद अगर सर्च के बटन पर क्लिक नहीं किया जाते, अभी तो हमने किसी पे क्लिक नहीं किया, तो अभी हमारी ये क्यूरी बन रही है सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स, बुक्स का सारा डाटा मुझे ला दो, ठीक है। और जब हम ऑल पे क्लिक करते हैं तब भी हमें सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम बुक्स तमाम बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। ये देखें ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चूज कैटेगरी है, ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, ये हमारे पास पब्लिशर्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी फेवरेट बुक का नाम दे के सर्च करेंगे तो वो बुक फिल्टर होके आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वो बुक नहीं मिलती, आप सारी देखना चाहते तो ये दो बटन्स हैं जिनका अभी मैंने आपको बताया है। ये देखें एक सर्च का बटन है, सर्च के बटन में पब्लिशर और कैटेगरीज इनको कैसे बाइंड किया है ये अभी हम नीचे जाके देखते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है। इनको देख के तो इसके मुताबिक आपने बुक में से क्यूरी लगाई है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिशर इज दिस, कैटेगरीज इज एंड टाइटल इज दिस, ठीक है। यानी कि हम उस पब्लिशर की या उस कैटेगरी की जो भी बुक्स हैं वो सारी मुझे ला के दिखा दो, ठीक है। और ये हमने क्यूरी बनाई है, ठीक है। उसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमने तो बटन पर क्लिक नहीं किया, तो अभी हमारी ये वाली क्यूरी लगेगी, ये वाली क्यूरी के लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, ठीक है। और जब हम बटन ऑल पर क्लिक करेंगे तब हमारी ये वाली क्यूरी चलेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, क्योंकि हो सकता है उससे सर्च भी ना मिले अपनी डिजायर्ड बुक, तो वो फिर ऑल बुक करके दिखा देगा, ठीक है। एक दफा इंटरफेस पे आ जाते हैं, ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे वो देखें ऊपर जो हमने सेशन में यूजर आईडी लिखवाया था वो यहाँ पे वेलकम में शो हो रहा है, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया नहीं था, ये देखें ये वेलकम में ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल बुक्स जो है, टोटल बुक्स हमने ऊपर बनाई थी वो भी हमारी ये यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। टोटल बुक्स अभी जो है हमारे पास खाली है, तो अभी देखो ये नल आ रहा है, ये रीडर शो हो गया और ये टोटल बुक्स शो हो गया। अब आपके हाइपरलिंक्स आए हैं, ये हाइपरलिंक देख लेते हैं, ये हमारे हाइपरलिंक्स जो हमने लगाए हैं ये वो हैं, ठीक है। देन जो है यहाँ पर आ जाए नीचे, अब ये देखें ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट की, सिलेक्ट जब ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी हो या मेन्यू बनाना हो, इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, तो इसको जो है ना इसके लिए हम सिलेक्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम देते हैं कैटेगरी का, ये देखें, और उसकी वैल्यू जो है वो हम नीचे पुट करें, ये देखें ये हमारे पास कैटेगरी की ये आपको नजर आ रही है ना, ये आपके पास इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये सिलेक्ट की है, इसका नाम है कैटेगरी, ठीक है। और आगे इसमें हम अब डेटाबेस से डाटा लेके इसकी ऑप्शंस में डाल रहे हैं, तो वो हमारे पास कौन सी क्यूरी है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम बुक्स, बुक्स के टेबल के अंदर जाओ, मुख्तलिफ कैटेगरीज जो हैं उनको फेच करके उसको ऑप्शंस में डाल दो। यहाँ पर हम उसको ले रहे हैं और यहाँ पर लेके हम उसको ऑप्शंस के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, ये हमारा डाटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है, ठीक है। बात अब इसी तरह से पब्लिशर भी है, पब्लिशर भी डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट होते हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे, ये पब्लिशर आ गया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट पब्लिशर्स फ्रॉम बुक्स, बुक्स के डिफरेंट पब्लिशर्स जो हैं वो लेके आए, वो ला के हमने ऑप्शंस में डाल दिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर आप देख लें, ये सिलेक्ट का टैग है, सिलेक्ट के टैग के अंदर पब्लिशर है, यानी कि ये पब्लिशर एक ही ड्रॉप डाउन लिस्ट है, और उसकी जो ऑप्शंस होती हैं वो आप इस तरह से उसके अंदर पब्लिशर की वैल्यू देके हम वो हम डालें, ये जो ऑप्शंस है ये हमारी डेटाबेस से आ रही है, ठीक है। ये आपको HTML में पता होगा कि सिलेक्ट के टैग के अंदर हम ऑप्शंस डालते हैं तो वो हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है, तो ये हमने डेटाबेस से कनेक्ट की हुई है, तो ये डेटाबेस से आ रही है। उसके बाद ये टाइटल है, फिर सिलेक्ट और सर्च और ऑल का बटन है,
ये हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, टाइटल ए इसका नाम है, ठीक है, और इसके साथ बटन लगा हुआ है सबमिट का, सर्च का, और उसके साथ बटन लगा हुआ है सबमिट ऑल यानी कि नेम ऑल का, ठीक है, ये इसको हमने कलर दिया हुआ है और ये इसका नाम है ऑल, ठीक है। जब हम इस ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो काम होगा, जब हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो काम होगा, वो क्या काम होगा, वो हमने ऊपर किया हुआ है, हम उस पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, ये देखें यहाँ पे हम ये बटन सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम ये चेक करें रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर सर्च नॉट इक्वल टू नल, यानी कि सर्च का बटन खाली नहीं है, खाली नहीं तो हम क्या करेंगे, पब्लिशर्स की वैल्यू लेके पब्लिशर वेरिएबल में डाल देंगे, कैटेगरी की वैल्यू लेके कैटेगरी वेरिएबल में डाल देंगे, टाइटल की वैल्यू लेके टाइटल में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने ये क्यूरी लगाई है, ये बाकी कमेंटेड है, ये वाली क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिशर इज दिस, कैटेगरी इज दिस एंड टाइटल इज दिस, ठीक है, तो वो हमें वैल्यू सारी आ जाएंगी क्यूरी के जरिए, उसको नीचे हम फिर शो करवा देंगे। ये हमारे पास वो आगे उसको, उसके बाद जो है ये अभी जो है ना हमने उससे शो नहीं करवाया, अभी हम पहले तमाम बेस्ट सेलिंग बुक्स जो है उनको शो करवा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट सेलिंग बुक्स क्या है, वो ये वाली है, अब हम नीचे आ रहे हैं, ये देखें ये बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, ये बेस्ट सेलिंग बुक्स जो पांच हम दिखा रहे हैं वो ये हैं, एक दो तीन चार और ये पांच, ठीक है। ये हमारी महंगी तरीन किताबें हैं, उनको हम व्यू भी कर सकते हैं और एड टू कार्ट भी कर सकते हैं। क्यूरी चेक कर लें, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, फाइल नेम, जनरेशन, प्राइस, पाथ, कैटेगरीज फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय प्राइस, ठीक है। ये ऑर्डर बाय प्राइस इसलिए किया हुआ है ताकि ये प्राइस के लिहाज से ऑर्डर करे और लिमिट 5 रखे, यानी कि टॉप 5 जो है ना वो हमारी बुक्स यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इनको 4 करेंगे तो टोटल टॉप 4 बुक्स जो है ना महंगी, वो बुक्स जो है ना वो हाई क्वालिटी की बुक्स जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। वो डेटाबेस से डाटा लाएंगे हम लूप वाइल लूप के जरिए, रिजल्ट सेट यहाँ से क्यूरी चलेगी वो हम डालेंगे रिजल्ट सेट में, और फिर रिजल्ट सेट से हम बारी बारी रो वाइज डाटा लेते जाएंगे, उनको वेरिएबल्स में डाला और नीचे मैंने उनको शो करवा दी, यहाँ पे हम उनको शो करवा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने सक्सेस का बटन यानी बुक डिटेल्स, अगर आपने देखनी है तो बुक डिटेल वाले पेज पे नेविगेट हो रहे हैं, ऐड टू कार्ड वाले जा रहे हैं तो ऐड टू कार्ड में नेविगेट हो जाएंगे। ये तमाम देखें, ये बुक्स जो है ना इनके साथ व्यू डिटेल ऐड टू कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। रिकमेंडेड बुक जो है, रिकमेंडेड बुक में भी जो है ये वही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़र के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो बुक्स हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। व्यू डिटेल ऐड टू कार्ड, व्यू डिटेल्स ऐड टू कार्ड, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, थीके? और उसके बाद जो है वो तमाम बुक्स नीचे शो हो रही हैं। तो ये डाटा को हम शो ही करवा रहे हैं, लेकिन जो है वो इस तरह से, ठीक है। रिकमेंडेड बुक्स देख लें जो उसकी हैं, वो देख लें वो कौन सी हैं। क्यूरी हमारी डिफरेंट है, बाकी चीज़ें डाटा हम एक ही तरीके से ला रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें रिकमेंडेड बुक्स में, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज दिस, हमने जो अभी यूजर आईडी लिया था उस यूजर आईडी के मुताबिक यूजर में गए, उसकी इंटरेस्ट नोट कर ली हमने, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, इंटरेस्ट 3, यानी कि 3 किस्म की उसकी इंटरेस्ट है, वो हमने ले ली। उस इंटरेस्ट की बिना पे हमने क्या किया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट बुक आईडी, बुक की डिटेल्स लेनी है, और उस जहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ये वाली हो, यानी कि कैटेगरीज उसकी ये वाली हो, ठीक है। कैटेगरी जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्ट, जो यूजर का इंटरेस्ट होगा ना उसकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, उन कैटेगरीज के लिहाज से हम जो है वो बुक्स ला के उसे यहाँ पे हम डेटाबेस से ला के रिजल्ट सेट में डालेंगे, और रिजल्ट सेट से इन वेरिएबल में डाल के नीचे हम शो करवा देंगे, ठीक है।
क्यूरी को समझे कि क्यूरी क्या आ रही है। क्यूरी ये आ रही है कि जितनी यूजर की इंटरेस्ट होंगे, तीन इंटरेस्ट, उन तीन इंटरेस्ट को हम कैटेगरीज में देखेंगे, बुक की कैटेगरी में, और उन बुक की कैटेगरी से हमारा डाटा बारी बारी आता जाएगा, उसको हम नीचे शो करवा देंगे और साथ बुक डिटेल और ऐड टू कार्ड वाला बटन वैसे ही आएगा। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं, मकसद है इसका कुछ। ठीक है, ऑल बुक्स, ऑल बुक्स में जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, तमाम बुक्स जो है वो हमारे पास आ रही हैं, वो नीचे हम ये शो करवा रहे हैं। ठीक है, अब इनके अंदर देखें, कोई भी बुक आप सिलेक्ट करते हैं, बुक की डिटेल देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप बुक की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे ये वाली बुक है, तो मैं इस बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, व्यू डिटेल के ऊपर। आपने ऊपर देखना है, रीडर पैनल अभी ओपन हुआ है, व्यू डिटेल पे क्लिक किया, अब ये देखो बुक डिटेल्स का पैनल आया, प्लस आईडी आया, आईडी वन, और उस आईडी वन की ये जो बुक है ना, इसका आईडी है वन, वो आईडी वन की बुक डिटेल वो सारी शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है ये मैं इस बुक को देखता हूँ कि ये हम कैसे काम करें। ये देखो ये बुक डिटेल है, बुक डिटेल में आईडी में मैं उसका बुक का आईडी पास करूँ, ये हमारी क्यूरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आईडी है, इसके अंदर मैं बुक का आईडी पास करूँ, जब ये बुक का आईडी मैं पास करूँगा किस पेज में, बुक डिटेल में, तो वो उसकी बुक की डिटेल शो हो जाएंगी। ये हमारा बुक डिटेल का पेज है, इसमें देखें सबसे पहले ये हमारे जो है वो इंटरफेस बनाया हुआ है। ठीक है, लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं, जो चीज़ देखने वाली वो ये है। ठीक है, ट्राई के अंदर जो है ये हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये हमने आईडी लिया, जो यूज़र ने अभी आईडी पास किया था उसको मैंने रख दिया वेरिएबल आईडी के अंदर। फिर मैंने क्या किया, क्यूरी को बनाया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स वेयर बुक आईडी इज दिस, इस बुक आईडी का तमाम डाटा ला के मुझे दिखा दो, वो उसने तमाम डाटा डेटाबेस से ला के रिजल्ट सेट में डाल दिया। फिर रिजल्ट सेट में से हम बारी बारी उस बुक की सारी डिटेल्स को ले रहे हैं, वेरिएबल्स में डाल रहे हैं और उनको नीचे शो करवा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये हम ये एक बुक की डिटेल को शो करवा रहे हैं। अगर आप किसी और की बुक की डिटेल को शो करना चाहते हैं तब भी आप पर्टिकुलर, ये देखो आईडी 9 है, व्यू डिटेल पे जाओ, ये 9 आईडी वाली बुक जो है वो उसकी डिटेल जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक, इस तरह से ये काम करेगा। अब हम एक शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग का अमल कहाँ से शुरू होगा, जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको स्पाइडरमैन की बुक को ऐड टू कार्ट करते हैं, यानी कि शॉपिंग करना चाहता हूँ, तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें, ये ऐड टू कार्ट में क्लिक हो गई, इस प्राइस, ये ऐड टू कार्ट है, इसमें आईडी से हमें पता चल गया कि ये वाली यूजर ने शॉपिंग करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसका ये जो डाटा है ना, ये हमने कार्ट में डाल दिया। ठीक है, कार्ड में डाल दिया, बुक आईडी है 8, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब हम इस पेज पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट वाले पेज पे। ऐड टू कार्ड वाले पेज में सबसे पहले ना उस बुक को हमने डालना है कार्ड के अंदर यूजर के रेफरेंस से, और फिर हमने उसको बाद में एडिट और डिलीट वगैरह करना है। ठीक है, तो अभी देख लो, पहले सबसे पहले हमने आईडी लिया था पैरामीटर के जरिए, बुक आईडी में डाल दिया, फिर हमने यूजर का भी सेशन लिया, यूजर का आईडी लेके हमने यूजर आईडी में डाल दिया। ठीक है, यानी कि हमें पता चला कौन सा यूजर शॉपिंग कर रहा है। उसके बाद सेशन, बुक आईडी के नाम से भी एक सेशन बना लिया, ताकि हम बार बार जब हम पेज पे नेविगेट करें तो वो उसका सेशन महफूज रहे, बुक का आईडी महफूज रहे। अच्छा जी, ये वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्यूरी में जाएं, सिलेक्ट सम टोटल प्राइस एज ग्रैंड टोटल फ्रॉम कार्ट वेयर कस्टमर इज दिस, ये हमें बता रहे टोटल जो है वो ग्रैंड टोटल। अभी हमारे पास ग्रैंड टोटल नल है, क्योंकि अभी हमने पूरी कैलकुलेशन नहीं की है। ठीक है, इसको अभी आप देख लें। ठीक है, उसके बाद जो है, क्योंकि अभी हमने कार्ट में इसे नहीं डाला है, अभी हम इसे कार्ट में डालेंगे। ये देखिएगा, अब हम क्या करें, वो बुक की डिटेल ले रहे हैं, उस बुक की डिटेल लेके उसे कार्ट के अंदर डालना है। ये कार्ट के अंदर डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि शॉपिंग के लिए उसने, यूजर ने बुक उठाई है, बुक उठा के उसने कार्ट में डाली है, कार्ट में उठाएगा तो वो उसकी पता चलेगा। ठीक है,
तो ये हमने डाटा बुक की डिटेल्स ली और यहाँ पर हमने साथ साथ उसको इंसर्ट इनटू कार्ट कार्ड में भी डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट की क्यूरी लगाई थी ऊपर, अब हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई डाल दिया। उसके बाद जो है वो ठीक है, ये हमने उसको मैसेज भी दे दिया कि इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, हमने वो डाटा डाल दिया, अब हम नीचे जाके कार्ड में उस कस्टमर के कार्ड में जाके देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। जो कार्ड में पड़ा होगा उसको हम नीचे शो करवा देंगे। ठीक है, और साथ अपडेट और डिलीट, ये जो काम है ना, ये जो काम आपको सिंपल एक डाटा नजर आ रहा है, ये काम ऐसे हुआ है कि सबसे पहले जब यूजर ने कार्ड पर क्लिक किया तो कार्ड पर क्लिक करने के बाद उसकी बुक की डिटेल जो है वो शो हुई, उस बुक की डिटेल को लेके हमने कार्ड में डाला कस्टमर आईडी के नाम से, यानी कि इस कस्टमर की ये बुक है, ये कार्ड में डाल दो, कार्ड में डाल दी। फिर हम उस डालने के बाद उसको दिखा रहे हैं, तो ये डालने के बाद हमने उसको दिखाया ग्रैंड टोटल, अभी हमने इस पे काम नहीं किया तो ये अभी नल है। ठीक है, लेकिन ये अभी हम इसको क्या करना चाहते हैं, अब हम इसकी क्वांटिटी को अपडेट करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पे अपडेट पर क्लिक करेंगे। क्वांटिटी जो है बाय डिफॉल्ट अभी वन नहीं थी तो हम इसको रख देते हैं दो। ठीक है, अब ये दो पे क्लिक करूंगा, ये अपडेट कार्ड वाला पेज है, दो पे क्लिक करके अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें अपडेट सक्सेसफुली, बैक टू कार्ट, कार्ट पे दोबारा जाएं तो ये देखें ये दो हो गया और अब ये यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो ये काम हमने कैसे किया, अपडेट कार्ट पे जाते हैं, ये देखें ये अपडेट कार्ट है, यहाँ पे आईडी हम उसका ले रहे हैं क्यूरी स्ट्रिंग में, तो अपडेट कार्ड के लिए चलते हैं। सबसे पहले हमने बुक का आईडी लिया, आईडी लेके हमने इस आईडी में डाल दिया, फिर हमने जो है वो क्या किया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कार्ड वेयर कार्ड आईडी, दिस कार्ड में गए और उस कार्ड आईडी का डाटा हमने ले लिया मखसूस कार्ड का। ठीक है, डाटा ला के उसको हमने रखा, ये आईडी जो है, ये वाला जो आईडी था ना, ये कार्ड का आईडी है, बुक आईडी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हम कार्ड को अपडेट करें। ठीक है, तो ये जो है वो हमने कार्ड को ला के हमने उसको नीचे डिस्प्ले करवाया, रिजल्ट सेट में डाला। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट सेट में डाला और रिजल्ट सेट के जरिए उसको हम नीचे शो करवा रहे हैं। ठीक है, शो करवाने के बाद अब हमारी यहाँ पे क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी का जो वेरिएबल है वो जो है वो हम उसकी क्वांटिटी एक से लेके पांच तक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो अभी हमने दो सिलेक्ट की थी, दो सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यूजर अपडेट पर क्लिक करेगा तो हम चले जाएंगे अपडेट प्रोसेस कार्ड डॉट जेएसपी की तरफ। ठीक है, ये हमारा अपडेट प्रोसेस आ गया। यहाँ पर हमने सबसे पहले वेरिएबल गेट पैरामीटर्स के जरिए, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के जरिए वैल्यूज ली हैं, वैल्यूज लेके वेरिएबल्स में डाल दी, वेरिएबल्स से वैल्यू लेके इनको फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्राइस बाय डिफॉल्ट जो है ना, हमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही थी वो स्ट्रिंग में आ रही थी, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसे टोटल निकाला, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी इंटीजर में है, तो इनको हमने कन्वर्ट करके टोटल बनाया इसका। और फिर देखा कार्ड आईडी नल तो नहीं, अगर कार्ड आईडी नल नहीं है तो हमने क्या किया, अपडेट कार्ड सेट, यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी लगा दी है, अपडेट कार्ड, कार्ड के टेबल को अपडेट करना है जहाँ पे क्वांटिटी ये हो, टोटल प्राइस ये हो और कार्ड आईडी ये हो, कार्ड आईडी के अगेंस्ट हमने उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट कर दिया और उसको नीचे हम मैसेज शो करवा देंगे, ये काम हमारा अपडेट का था, शो करवा दिया और वापस जो है हम उसी पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने काम कर दिया। दूसरा है रिमूव बुक का, रिमूव बुक का क्या है, रिमूव बुक का काम तो बहुत आसान है, डिलीट कार्ड का। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इस कार्ड में से हमने जो है इस बुक को डिलीट करना है, तो हम उस कार्ड में से उसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट
फ्रॉम कार्ड वेयर कार्ड आई डी दिस, ये कार्ड आई डी के अगेंस्ट हम उसको डिलीट कर देंगे। ये इस तरह से हमारे पास बुक जो है उस कार्ड के अंदर पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर अब उसने ये काम कर लिया, उसने ये किताबें खरीदी हैं, तो अब हम क्या करेंगे, चेकआउट पे क्लिक करेंगे। यानी कि चेकआउट से मुराद ये है कि अब वो लेके बुक चला गया काउंटर पे कि मुझे ये वाली बुक लेनी है, अब मुझे जो है ना वो इसकी इसके बिल वगैरह बता दें, तो वो चेकआउट पे क्लिक करेंगे। मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एज ए कस्टमर हूँ। मैंने चेकआउट पे क्लिक किया, अब ये कस्टमर का ऑर्डर जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर जनरेट हो गया यहाँ पे हम देखें, और उसको हम ये उसका रसीद आ गई है कि बुक आईडी ये है, आपने दो बुक्स खरीदी हैं और इसकी टोटल प्राइस जो है वो 1800 बनती है, तो आपने में 1800 देना है, प्लेस ऑर्डर करें कि नहीं। अब हम इसको देखते हैं चेकआउट पेज पर हम कैसे काम करें। ये देखें, ये हमारा चेकआउट का पेज है। सबसे पहले मैंने कस्टमर का सेशन के जरिए यूजर आईडी लिया, उसको कस्टमर आईडी में डाला, उसको यहाँ पे वेलकम करवाया, देन यहाँ पर सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम कार्ड वेयर कस्टमर आईडी दिस, उस कस्टमर आईडी का कार्ड से सारा डाटा लेके उसे शो करवाया, ठीक है, और उसके साथ कोई रैंडम नंबर भी जनरेट करवाया जो कि ऑर्डर नंबर होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने बता दी, मिनिमम इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, उसके मुताबिक वो हमने वैल्यू ली है और उसको जो है हमने ऑर्डर आईडी में डाल दी। ये हमारा एक ऑर्डर बन गया, यूनिक ऑर्डर बन गया, ठीक है। देन मैंने क्या किया, उसी डाटा को जो कार्ड का डाटा था उसको उठा के कस्टमर का आईडी उठा के ऑर्डर में डाल दिया, क्योंकि अब वो कस्टमर ने ऑर्डर का दे दिया, ठीक है, तो ऑर्डर में डाल दिया, ये ऑर्डर में सारा डाटा चला गया। और उसके बाद जो है ऑर्डर में डालने के बाद कार्ड को खाली करना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कार्ड जो है वो उसने खाली कर दी ना, उसने सारा डाटा निकाल के ऑर्डर पे प्लेस कर दिया और वो जो है वो हमने कार्ड को खाली कर दिया, तो यहाँ पे हमारी डिलीट की क्यूरी लगेगी, हमने इसे डिलीट कर दिया। देन फिर हमने ऑर्डर को शो करवाया, ये देखो क्यूरी आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, आप ऑर्डर को शो करवा के आपने डाटा को नीचे प्रिंट आउट करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर हमारा शो हो गया। अब हम क्लिक करते हैं कि ये हमारा ऑर्डर आ गया, अब आप इसे प्लेस करना चाहते हैं, आप इसे प्लेस कर दें, प्लेस ऑर्डर कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया, तो हम प्लेस ऑर्डर वाले पेज पे चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, विया बैंक है, और विया डेबिट कार्ड, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पर भी, बैंक के थ्रू भी, और वीज़ा कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी टोटल अमाउंट लिखें, टोटल अमाउंट हमारी थी 1800, आप किससे करना चाहते हैं, मैं ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ BOP, नंबर दे देता हूँ अपना फर्जी, ठीक है। CVC की जरूरत होती है जब डेबिट कार्ड, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो इसे जीरो कर दें। उसके बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा, ये प्लेस ऑर्डर का पेज है, इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले हमने यूज़र आईडी लिया, यूज़र आईडी में डाला, उसके बाद जो है उसको शो करवाया यहाँ पर, ठीक है। देन जो है ये लिंक लगे हुए हैं, उसके बाद सिंपली जब वो यूज़र करने के बाद, क्लिक करने के बाद, ये फ्रंट एंड बना हुआ है, जब ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो हम किस पेज पे नेविगेट हो जाएंगे, ये यहाँ पे प्लेस ऑर्डर प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर प्रोसेस ने मुझे बताया थैंक यू फॉर योर यूजिंग आर एप्लीकेशन, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये हम इस पेज पे जाते हैं, प्लेस ऑर्डर के प्रोसेस में हमने क्या किया, सबसे पहले पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं, फिर डेटाबेस की कोऑर्डिनेलिटीज ऐड की हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें,
हमने जो है वो ऑर्डर नंबर जनरेट किया था पहले वो वाला, उसके बाद यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी, सारी उसकी चीज़ें, स्टेटस उसका कंफर्म लिख दिया, यानी कि उसने अभी ऑर्डर हमारा कंफर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये वेरिएबल्स, मुख्तलिफ वेरिएबल्स दिए जो भी उसने ऐड किया होगा कि बैंकिंग के थ्रू करना है, अकाउंट नंबर के थ्रू करना है, या कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। और साथ डेट भी ले ली, ठीक है। और उसको हमने जो है वो, अगर वो उसने कैश ऑन डिलीवरी किया होगा तो वो ये वाली चीज़ें हो जाएंगी, अगर उसने ऑनलाइन किया होगा तो हमारा फ्लैग जो है ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसने कार्ड किया होगा तो कार्ड के थ्रू करना है तब भी हम ये करेंगे, ठीक है। और नीचे जो है वो हम देख रहे हैं कि इंसर्ट इनटू पेमेंट, अब हम पेमेंट वाले पेज में डाल रहे हैं, और पेमेंट वाले पेज में जो उसका स्टेटस होगा, जिस मेथड के जरिए उसने भेजी होगी अमाउंट, वो हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगी, ताकि हमें पता चले यूज़र ने इतनी अमाउंट सेव की है, और वो यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और नीचे जाके हम ऑर्डर को भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा काम हो रहा है, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर का काम, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक प्लान जो है ऑर्डर का प्लेस हो गया हुआ है, ठीक है। यूज़र ने कस्टमर कर दिया, अब ये देखें ये कार्ट उसका दोबारा खाली हो गया, क्योंकि उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब वो कस्टमर हिस्ट्री में जाके अपनी हिस्ट्री भी देख सकता है, ये मैंने कस्टमर हिस्ट्री भी क्लिक किया, ये उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं, रीडेबल ने कब क्या क्या शॉपिंग की, आज उसने ये बुक्स खरीदी थी, आठ बुक आई डी 8 था, और 900 रुपये की एक प्राइस थी, और 1800 को उसने अभी शॉपिंग की है, ये वाली यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर हिस्ट्री का पेज है, ये कस्टमर हिस्ट्री का पेज है। कस्टमर हिस्ट्री में देखें, सिंपली जो है हमने डेटाबेस में जाके सेलेक्ट ऑर्डर, और उस कस्टमर के जो ऑर्डर की डिटेल है वो सारी ऑर्डर की डिटेल को शो करवा दी, ठीक है। देन जो है आखिरी पेज रह गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फीडबैक वाला पेज। फीडबैक वाले पेज में यूजर ने सिर्फ कस्टमर ने ना रीडर ने अपना मैसेज देना है, गुड सर्विस, ठीक है, सेंड मैसेज करते हैं, ठीक है। ये कस्टमर फीडबैक वाला देखते हैं, सिंपल सा इंसर्ट का ऑपरेशन यहाँ पे हमने किया, ये देखें ये हमारा इंटरफेस है, ठीक है। जैसे वो सबमिट पर क्लिक करेगा, ये फ्रंट एंड बनाया हुआ है, इसमें जो है वो यूज़र आईडी तो ले रहा हूँ, उसके बाद इनपुट टेक्स्ट है, जैसे वो सबमिट पर क्लिक करेगा वो किधर चला जाएगा, कस्टमर फीडबैक प्रोसेस वाले पेज पे, ठीक है। ये हमारा कस्टमर फीडबैक का पेज आ गया, यहाँ पे सिंपली जो है वो डेटाबेस से डाटा लेके, सॉरी इंसर्ट फ्रंट एंड से जो है वो पिछले पेज से हमने जो है मैसेज लिया, यूज़र आईडी लिया, और उसके मुताबिक मैंने ये क्यूरी में डाल दें, कस्टमर आईडी, मैसेज और डेट, डेट हमने ये ली है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने उसके फीडबैक के टेबल में डाल दी और मैसेज को प्लेस कर दिया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा, मज़ीद मेरी वीडियोज़ देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।